गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एन सक्सेना लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से बच्चों एक बार फिर मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था दोआब में कर वृद्धि के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगी राजधानी परिवर्तन के बारे में। ठीक है बच्चों, राजधानी परिवर्तन प्रस्तुत एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक ने के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालवाड़ को छोड़कर दक्कन भी सभी राज्य जुड़ चुके थे। अंत दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। ठीक है बच्चों, आप देखिए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कहाँ, दिल्ली से क्या कर दी गई थी, दौलताबाद को। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। वो दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसीलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी जाने लगी थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आ पाई, वो वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दिल्ली का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम यदि दिल्ली से भिन्न थी। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय कर लिया था। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण करना भी कठिन है। इसी प्रकार सुल्तान को द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना में भी असफलता मिली। ठीक है बच्चों, कल हम आपको बताएंगे संकेतिक मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ।